कोरोना महामारी के बीच गुटखा माफियाओं पर ठाणे में एफडीए की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 1,70,00,000 का माल जब्त कर 7 लोग गिरफ्तार कर लिया। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गुटखा माफियाओं के विरुद्ध नकेल कसने के लिए राज्य सरकार ने एनसीपी नॉर्थ मुंबई कार्याध्यक्ष फहीमिदा हसन खान के नेतृत्व में एफडीए अधिकारियों की टीम बनाई। ये टीम मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में गुटखा तस्करों पर कड़ी कार्रवाई का प्लान बना चुकी है। ठाणे के घोड़ बंदर रोड पर 2 अक्टूबर को देर रात 5 ट्रक गुटखा जब्त कर 7 लोगों को गिरफ्तार किया, जिसकी कीमत 1,70,00,000 रुपए आंकी गई। फहीमिदा हसन खान का कहना कि महाराष्ट्र में नशे के कारोबारी अपना धंधा बंद करें, अन्यथा वो महाराष्ट्र छोड़ दें, वरना सभी लोग जाएंगे जेल, ऐसा सख्त आदेश दिया गया है। जिन्होंने हमें इसमें बहुत मदद की है, सुप्रियता और जयंत पाटिल ने उनको कहा कि आप इनको जरा मदद कीजिए, देखो इनका क्या विषय है। उन्होंने हमारे विषय को समझा और जैसे फूड एंड ड्रग्स मिनिस्टर जो हमारे राजेंद्र सिंघड़े जी, उनके पीएस है महेश शिंदे जी, उन्होंने 5 मिनट में हमको टीम तैयार करके दिया। तैयार करने के बाद में बहुत अच्छी तरह हमने जो हमारे कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छी तरह कार्रवाई की है। तो मैं आगे हमारे जो प्रशासन है उससे एक अभी भी वो करना चाहूँगी विनती कि आगे अभी ये जो FIR हमने कसार वडवली थाने में जो किया है, जिनके अंदर जो पुलिस वाले थे, पुलिस वालों ने बराबर से उनके FIR वगैरह दर्ज किए, सेक्शन भी अच्छे से बराबर लगाया है जो सेक्शन उनके ऊपर फिट होना चाहिए। तो मैं राजेंद्र सिंह जी से कहूँगी कि अभी के जो ये बड़ी मछलियाँ हैं जो हमारे महाराष्ट्र को ख़राब कर रही है, जो हमारी नई पीढ़ी को ख़राब कर रही है, उसके ऊपर ज़रूर कार्रवाई करें। दूसरी बात, मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहूँगी, किसी को भी अगर गुटखे का गोदाम या गुटखे की जानकारी हो तो कृपया मुझे आप कॉन्टेक्ट कीजिए। ग्लोबल इंडिया TV न्यूज़, रोहित जायसवाल की रिपोर्ट।